नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें लगातार तेजी देखने मिला है। मतलब जितना सोने का गोल्ड का भाव बढ़ता है वो स्टॉक्स उतना ही तेजी से बढ़ता है। तो चलिए उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि गोल्ड के बढ़ने से बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो समझ सकते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में गिरावट उसमें भी आया था, लेकिन रिकवरी इतनी फास्ट हुई कि अभी तक में वो 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर को दे चुका है। तो चलिए ऐसे स्टॉक बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो स्टॉक से हमारा वो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। आज जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो है 1160। तो देख सकते हैं 1160 रुपए इसका क्लोजिंग प्राइस है। 52 वीक हाई आज ही ये बनाया है, देख सकते हैं 1199 रुपीज, और 52 वीक लो देखेगा तो 476 रुपीज। समझ सकते हैं कि ये यहाँ से कितना रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 128% का रिटर्न, तो मात्र 3 महीने में 128% का रिटर्न दिया है मुथूट फाइनेंस ने। तो अब हम चार्ट पर बात करते हैं कि ये तो आपने चार्ट देख लिया कि गिरावट इसमें भी आया था जो हमारा पैंडमिक सिचुएशन था उसमें, और ये अपना उस समय 52 वीक लो बनाया 476 का। उसके बाद इसमें लगातार रिकवरी देखने मिला और अब ये तो ब्रेकआउट हो चुका है। चलिए हम यहाँ पर आपको जिरोधा के, हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं जिरोधा के काइट ऐप पर। अगर आपने जिरोधा में अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जिरोधा पे जो डाटा है उसे ओपन किए हैं। आज यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर कितने पॉइंट का दिया है, तो लो बनाया हमारा इसका जो आज का लो है वो है 1036 रुपया, 1036 से ये मूवमेंट आपको 1200 रुपया मतलब 1199 रुपीज़ 55 पैसे तक देखने मिला। तो समझ सकते हैं इतना बड़ा ब्रेकआउट था मुथूट फाइनेंस का आज। तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी उतना ही शानदार था, मतलब बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया है आज। तो आप समझ सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस लगातार तेजी इसमें देखने मिल रहा है। तो अब आपको इसमें क्या करना चाहिए, तो अब जो है आपको इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए, या आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं। मतलब आपका स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा शेयर मार्केट स्टॉक्स बढ़ेगा तो फिर गोल्ड का बहुत अप्रॉक्स कहा जाता है डिक्रीज करेगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अब जो है वो वहाँ पर ब्रेकडाउन में नीचे की ओर। तो अगर उसमें गिरावट आती है तो निश्चित है कि मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में भी गिरावट आपको थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो मुथूट फाइनेंस का लॉन्ग टर्म चार्ट भी बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से जो इसका देख सकते हैं 50 डे का मूविंग एवरेज है, वो 50 डे का मूविंग एवरेज 50 डे का मूविंग एवरेज ये येलो लाइन हमारा ये 50 डे का मूविंग एवरेज है जो 860 रुपीज़ पे है। 20 डे का मूविंग एवरेज वो है 930, और जो 200 डे का मूविंग एवरेज है वो मात्र 751 है, ये नीचे वाली ब्लू लाइन। 200 डे मूविंग एवरेज से ये काफ़ी ऊपर है, क्योंकि 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मात्र 751 रुपीज़ है, इससे ये काफ़ी स्टॉक्स ऊपर जा चुका है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जस्ट वेट करना चाहिए, या अगर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशन बनाना है। चलिए हम कारोबार देख लेते हैं एनएससी के वेबसाइट पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि 160 रुपये का तेजी आज देखने मिला, जो प्रीवियस क्लोज था 999 रुपया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो 999 रुपया में क्लोज हुआ था वहाँ से 1200 रुपये तक का मूवमेंट दिखाया, मतलब 200 रुपये तक का मूवमेंट ये आज दिखाया 200 रुपये का। अगर आपने कल ख़रीदा होता तो आप एक स्टॉक पर 200 रुपीज़ तक अर्न कर सकते थे मात्र एक दिन में। वहीं आप सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखेंगे तो 1,80,24,858 शेयर, इतना शेयर जो है ट्रेड हुआ है, जिसमें से 28,88,000 शेयर जो है डिलीवर हुआ है, मात्र डिलीवरी का परसेंट 16% है, देख सकते हैं। टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ था वो 1,80,24,000 था, तो उतना में मात्र 16% क्वांटिटी डिलीवर हुई है। 52 वीक लो देख लीजिए 24 मार्च को बनाया है, जिस समय सारा स्टॉक्स फॉल कर रहा था, पूरा मार्केट ही हमारा क्रेश था, और जो 52 वीक हाई है देखते हैं 18 जून 2020 आज ही बनाया है।
और यहाँ से कंपनी के इन्फॉर्मेशन में जा कर के आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर तक का ही अपडेटेड रिजल्ट है और नेट प्रॉफिट जो है 80 लाख देख सकते हैं 80 लाख था, उससे पिछले क्वार्टर में 85 लाख था। तो उसके बाद लगातार कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, देख सकते हैं 2019 में 20 में 18 में लगातार कंपनी डिविडेंड भी पे करती आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो 73.44% प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास 26.57 है और यहां से कंपनी का जो भी प्रमोटर्स है उसका कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, देख सकते हैं कि 0% शेयर प्लेस्ड है। टिकट टेप के वेबसाइट पर जाकर के आप कंपनी के बारे में आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं हम टिकट टेप के वेबसाइट पर आए हैं तो यहाँ पर करेंट प्राइस इज लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब एक ही दिन में इतना तेज मूवमेंटम देखने मिला है कि ये वेबसाइट भी अभी आपको नहीं बता रहा है ये प्राइस जो इंट्रेंसिक वैल्यू से लेस है या अधिक है। यहाँ तो लेस बता रहा है लेकिन अब ये इंट्रेंसिक वैल्यू से लेस प्राइस नहीं है। वन डे में देख सकते हैं 17.62% का रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक्स, वन वीक में 3.78% का, वन मंथ में रिटर्न देखिएगा 23% का, वन ईयर में रिटर्न देख लेते हैं 89% का था। देख सकते हैं एक साल में ये आपका रुपया दोगुना किया है। लेकिन अगर कोई पैंडमिक सिचुएशन में जो क्रेश हुआ था मार्केट अगर उसमें कोई इन्वेस्ट करता तो वहां से ये आपको जो है 128% का रिटर्न देता। अब फाइव ईयर्स में देखिएगा तो फाइव ईयर्स में देखते हैं 528% का, मैक्सिमम ईयर की बात करते हैं तो 568% का, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस स्टॉक का और आगे भी हो सकता है इसमें तेज़ी देखने मिले या हो सकता है कि गोल्ड का रेट जब कम होता है तो इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल है, यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पर लगातार देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स में इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट देख लेते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए 835 करोड़ था, पिछले क्वार्टर से काफ़ी अधिक पिछले क्वार्टर से फ्लेट था, थोड़ा सा गिरावट था। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो देख सकते हैं मार्च क्वार्टर 19 से काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्च हमारा 2020 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और प्रॉफिट देख सकते हैं काफ़ी जंप हुआ है। मार्च 19 में 548 करोड़ था, यहाँ पर हमारा मार्च 20 में हो गया 835 करोड़, तो प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है। अब कंपनी का हम बैलेंस शीट देख लेते हैं तो कंपनी के बैलेंस शीट पे क्या दिखा रहा है तो चलते हैं नीचे। रिजर्व देख सकते हैं कंपनी के पास 9,392 करोड़ था, कंपनी के पास जो डेप्ट है देखते हैं 26,000 करोड़ का। नीचे आते हैं तो यहाँ पर कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस 1,735 करोड़ है। उसके बाद बुक वैल्यू कंपनी का देख सकते हैं, कंपनी का बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव है और कंपनी के पास सिर्फ ये है कि डेप्ट है काफ़ी, मतलब जो लाइबिलिटीज़ है कंपनी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है। तो डेप्ट जो है लाइबिलिटीज़ में हमारा जो शेयर होल्डर फंड है मतलब जो रिजर्व है उसको हटा देते हैं तो कंपनी के पास जो डेप्ट है 26,000 करोड़ का है। तो इतना कुल कंपनी के पास डेप्ट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी के पास कितना डेप्ट है। तो ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि आपको मुथहाउट फाइनेंस में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक साल में ये अपने मतलब हाई पे है, मतलब यहाँ एक ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहाँ से हो सकता है कि ऊपर आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए तेज़ी देखने मिले तो आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप अभी इसमें वेट कर सकते हैं करेक्शन का, जैसे वेट करते हैं मतलब जैसे करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।